मैं डॉक्टर राव, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ज़्यादातर पेशेंट्स की हमारे पास कंप्लेंट होती है कि उनका लिंग सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों लिंग सिकुड़ता है और उससे कैसे बचें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि लिंग का साइज लगातार कम हो रहा है। तो वो एक तो जानेंगे कि ये होता क्यों है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उससे बचें या उसको रिवर्स कैसे करें। तो सबसे पहले जानिए कि जैसे ये लिंग हम बना रहे हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि मैं इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह दिखा सकूँ, और ये हमने इसको नीचे का अंडकोश मान लो, ये अंडकोश है और हम उसको देख रहे हैं, और ये इसका ऊपर का एरिया है, ये पेशाब का रास्ता हो गया। तो यहाँ पे जैसे जो कॉर्पोरा है, ये आपको पता ही है, कॉर्पोरा है दो जिसमें इरेक्शन आती है। इन सब एरिया में, सारे ही पेनिस में ज्यादातर इरेक्टाइल टिश्यू होता है। जो जो मैं एरिया बना रहा हूँ, जैसे कॉर्पोरा भी इरेक्टाइल टिश्यू है, ये मैंने ऐसे मार्क कर दिया, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और बीच में यहाँ पे पेशाब का रास्ता है जिसके चारों तरफ कॉर्पस स्पॉन्जोसम होता है, और इसमें भी बेसिकली इरेक्शन आती है, पेशाब का रास्ता। लेकिन इसके आसपास ये जो एरिया है, ये इरेक्शन आती है और ये आगे जाके बड़ा हो जाता है, और ये इसी का पार्ट होता है, ग्लैंड्स पेनिस। तो बेसिकली इनमें इरेक्शन आती है। तो क्या होता है कि जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पेशेंट जो आता है हमारे पास, उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं, या आर्टरी या वेन, कोई भी आर्टेरियोजेनिक है, वीनोजेनिक है, उसमें क्या है कि जैसे ये आर्टरी जा रही है बीच में, मान लो ये मैं बड़ी करके दिखा रहा हूँ, ऐसे होती नहीं, बहुत छोटी छोटी होती है, ऐसे जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरह की ब्लड वेसल्स, ऐसा खोलने में कॉर्पोरा दिखाई देता है यंग पेशेंट्स में। तो मान लो ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर प्लाक्स जम जाते हैं, प्लाक्स बेसिकली ऐसे, इनको इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ अब, जैसे ये ब्लड वेसल है पेनिस के अंदर, ये कॉर्पोरा है, उसके अंदर एक छोटी सी ब्लड वेसल है जिसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, हम किनको कहते हैं प्लाक्स। ये इस तरह से यहाँ पे रुकावटें आने लग जाती है, उम्र के साथ भी आती है, डायबिटीज के साथ भी आती है, कुछ लोगों में वैसे होती है। तो जो ब्लड फ्लो है वो जो नॉर्मल जा रहा है, इसको एक तरह की समझ लो पाइप है, उसके बीच में अगर कहीं वो मुड़ गया तो पानी आगे से कम फ्लो होगा, इस तरह से ब्लड यहाँ से जाएगा, फिर उसको इधर मुड़ना पड़ेगा, इधर मुड़ना पड़ेगा, और पीछे से इतना प्रेशर नहीं होता, आगे से बहुत कम ब्लड बाहर निकलता है। तो बेसिकली ये आर्टेरियोजेनिक ईडी का रूप ले लेता है। इसी तरह से जब ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि जो वेनोजेनिक है उसमें मैं समझाता हूँ कि क्या होता है कि बेसिकली ये वॉल्व होते हैं, ये यहाँ पे आपने ब्लड फ्लो गया तो ये वेन्स ब्लड पेनिस से हार्ट की ओर लेके जाएगी, उल्टा ब्लड आर्टरी से उल्टा, आर्टरी हार्ट से पेनिस की तौर, और वेन वहां से यहाँ पे इधर ब्लड जाएगा, इधर इधर आएगा। तो ये बेसिकली वॉल्व्स बंद हो जाने चाहिए ताकि पेनिस के अंदर ही ब्लड इकट्ठा रहे काफी देर तक। लेकिन क्या होता है कि वेन्स लीक करने लग जाते हैं किसी कारण से, तो यहाँ से ब्लड खड़ा जब पेनिस हो रहा है तो, लेकिन इरेक्शन के बाद भी ब्लड निकलता रहता है इन वॉल्व से, जिस कारण से लीक होती रहती है, वीनस लीक होता रहता है और ब्लड वापस बाहर निकल जाता है। तो एक कमजोर सी इरेक्शन पेशेंट को आती है। तो जब भी ये रीजन होते हैं, जब इस तरह से ब्लड फ्लो कम हो गया है, अब ब्लड का वहां पे बार बार ना रुकना, और इसके साथ तीसरा कंपोनेंट हो जाता है साइकोजेनिक। तो ये तीनों, साइकोजेनिक में क्या है कि पेशेंट को एक मेंटल दबाव होता है जिसमें उसके सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपथेटिक मतलब नर्वस सिस्टम, जब आप घबरा रहे होते हो, डर रहे होते हो, वो नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो उससे क्या है कि इरेक्शन जल्दी से वहां से गायब हो जाती है। जैसे कोई भी आदमी जब डरेगा तो उसकी इरेक्शन नहीं आएगी। तो बार बार जब पेशेंट को ये प्रॉब्लम होने लगती है, उसका अच्छे से इरेक्शन नहीं आती, तो उसकी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, जिस कारण से तीनों चीजें एक साथ एक्ट करती है। तो ऐसे में क्या है कि जो नॉर्मल पेनिस है उसमें कभी भी ब्लड सप्लाई या तो आएगी नहीं, आएगी तो जल्दी से चली जाएगी। तो पेशेंट के अंदर पेनिस में ब्लड सप्लाई कम होने लग जाती है, जिस कारण से पेनिस का साइज छोटा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि कम देर तक इरेक्शन आती है, कम बार इरेक्शन आती है, और जब आती है वो भी पूरी नहीं आती। तो पेनिस का साइज पेशेंट ने देखा कि इससे अब छोटा हो गया, साइज डिक्रीज हो गया, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं आ रहा, बार बार ब्लड फ्लो नहीं आ रहा, आ रहा है तो पूरा नहीं आ रहा, कम बार आ रहा है। इसी तरह किसी भी एरिया में बॉडी के अगर ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी तो एरिया बड़ा हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि मसल्स बड़ी होने लग जाती है, अगर वहां पे ब्लड सप्लाई, और जो बिल्डर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनकी
ब्लड वेसल्स मोटी मोटी दिखने लग जाती है क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ती है, उसको ज़्यादा एरिया को सप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर ब्लड सप्लाई कम होती है तो वो एरिया थोड़ा 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 हर चीज़ छोटी 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 वेट टाइम होने लगती है। तो जब ऐसा चीज़ हो रही है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक क्लासिकल फीचर होता है, पेशेंट हमेशा इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये कंप्लेंट करेंगे ही करेंगे, तो ऐसे में आपको क्या करना है इमीडिएटली जब ऐसा होने लगे? तो सबसे पहले है रिड्यूस स्ट्रेस। मतलब ये तो हम बाद में देखेंगे कि आर्टरी को कैसे ठीक करें, वेन को कैसे ठीक करें, लेकिन सबसे पहले आपने स्ट्रेस कम करना है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए क्या है? एक्सरसाइज। आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें। दूसरा, स्ट्रेस कम करने के लिए आपने क्या है कि उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, घुलना नहीं है, उसको ओपनली डिस्कस करें उन लोगों के साथ जिन पे आप बिलीव करते हैं। अगर डॉक्टर से करते हैं तो डॉक्टर से आके डिस्कस करें, अपने घर में अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं, अपनी वाइफ से बात कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, उसको डिस्कस करें, अंदर ही अंदर उसको घुल के वो टेंशन ना लें, नहीं तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो दूसरा इसके बीच है प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए इसकी। कोई भी काउंसलिंग कर सकता है, कोई भी आपको ये विश्वास दिला सकता है कि आप ठीक हो जाएंगे और आप इसकी बात करें। अगर आप डॉक्टर से मिलना चाहते हैं तो वो करें। इसी के साथ साथ हम मसाज का भी रोल कहते हैं। तीन चीजें हमने अभी तक कही, एक्सरसाइज, प्रॉपर काउंसलिंग और मसाज। ये तीनों चीजें आपने करनी है। मसाज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कोई ऑयल यूज करते हैं, ये यूज करें, वो यूज, मसाज होनी चाहिए। ऑयल एक जरिया होता है, बेसिकली ज्यादा फायदा मसाज ही करती है पेशेंट को। तो ये तीन चीजें तो आपको करनी है। फिर आप इसमें हम रोल आता है पी शॉट एंड शॉक वेव का। पी शॉट एंड शॉक वेव, पी शॉट एंड शॉक वेव क्या करेगी? बेसिकली क्या करती है, जो हम जैसे ही पी शॉट देते हैं वो इन, हम इसको भर देते हैं, वो एक न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है और इन प्लाक्स को यहाँ से रिमूव कर देती है। तो पेशेंट को 10 से 15 दिन में एक बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आने लगता है, इन रुकावट दूर करती है, यहाँ से जो टॉक्सिन्स हैं उसको रिमूव करती है और धीरे धीरे नियो वेस्कुलराइजेशन, नियो मतलब नया वेस्कुलराइजेशन, नई ब्लड वेसल्स, इनका जन्म होने लगता है। तो आपने एक सेशन नहीं लेना है, उससे टेम्प्रेरी रिलीफ हुआ क्योंकि प्लाक्स हटा दिए, वो प्लाक्स दोबारा जम जाएंगे। हम न्यू वेस्कुलराइजेशन चाहते हैं कि हो, उसका मतलब है नई ब्लड वेसल्स बने, मतलब इस ब्लड वेसल से एक और छोटी सी निकल जाए, इधर से एक और निकल जाए, इधर से एक और निकल जाए, एक जाल घना हो जाए कॉर्पोरा के अंदर, वो न्यू वेस्कुलराइजेशन होने में टाइम लगता है। इसीलिए 6 सेशन रिकमेंड किए जाते हैं। बहुत से लोग जिनमें मॉडरेट या सीवियर ईडी होता है उसमें हम 6 से भी ज़्यादा सेशन, 1 सेशन हर 6 मंथ ही रिकमेंड कर देते हैं ताकि वो जो न्यू वेस्कुलराइजेशन है वो कंटिन्यू रहे, क्योंकि एज के साथ साथ ब्लड वेसल्स खराब होने लगती है, डायबिटीज़ के साथ ब्लड वेसल्स खराब होने लगती है, स्मोकिंग के साथ ब्लड वेसल्स खराब होने लगती है। तो ऐसे पेशेंट में हम ये रिकमेंड करते हैं। शॉकवेव भी यही काम करती है, वो प्लाक्स को तोड़ती है, बार बार शॉक देती है तो प्लाक्स वहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं और वो भी इसी तरह से काम करती है, लेकिन थोड़ा काम यही करती है, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दूसरा है। तो जब भी आप करें, अगर आप दूर से आए हैं तो शॉक वेव को पी शॉट के साथ लें, सिर्फ शॉक वेव ना लें, क्योंकि शॉक वेव अगर आप लेंगे तो उसके आपको मल्टीपल सेशन बहुत जल्दी जल्दी रिपीट करने पड़ते हैं, इसलिए आप उसको शॉक वेव के साथ, पी शॉट के साथ ले सकते हैं। तीसरा मैंने इसमें बताया कि अगर कुछ भी काम नहीं करता, मान लो ऐसी जगह हो जाती है कि बिल्कुल ही पेनिस बिल्कुल सिकुड़ के छोटा हो गया है, तो ऐसे में बहुत लंबे टाइम वेट ना करें। खासतौर पे ऐसा वेट ना करें कि आपकी शादी होने वाली है और आप सोचें कि मैं शादी के 2 महीने तक वेट करके देखूंगा, ऐसी गलती कभी ना करें। 6 जो भी अगर आपकी शादी हो रही है 6 महीने पहले डिसीजन ले लें। अगर आप पी शॉट करके देखें, शॉकवेव करके देखें, अगर इससे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और फिर भी पेनिस सिकुड़ रहा है तो इम्प्लांट कराएं। अगर लगातार कॉर्पोरा नीचे की ओर जाएगा तो हम इम्प्लांट इसमें डाल सकते हैं। इम्प्लांट डालने से क्या होगा कि पेशेंट में एक कॉन्फिडेंस आएगा। मान लो आपको इरेक्शन नहीं आ रही लेकिन हमने यहाँ पे इम्प्लांट डाल भी दिया इसके बीच में, तो क्या हो जाएगा कि इरेक्शन तो नहीं आ रही लेकिन लगातार पेशेंट बिना इरेक्शन के भी सेक्स कर पाएगा, क्योंकि वो पेनिस को हार्ड कर देगा इम्प्लांट। तो हम जब पेनिस को हार्ड कर देंगे इम्प्लांट और पेशेंट सेक्स करने लगेगा तो उसका साइकोजेनिक कंपोनेंट यानी जो घबराहट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और ऐसे केसेस में दोबारा इरेक्शन आने लग जाती है, अनलेस एंड अंटिल उसको बहुत सीवियर आर्टेरियोजेनिक या वीनोजेनिक ईडी ना हो। हालांकि वीनोजेनिक ईडी में भी इम्प्लांट वेन्स को दबा के थोड़ी मदद करता है, लेकिन ज्यादातर खास तौर पे अगर यंग पेशेंट है और उनको डायबिटीज नहीं है तो उनको इरेक्शन आ जाती है।
तो होपफुली मैंने आपको आज समझाया कि किस तरह से ये सिकुड़न क्यों आती है और उसमें इसका क्या इलाज है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में डाल सकते हैं और उसका हम अलग वीडियो बना देंगे उसके बारे में। और अगर आप इसके ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप हमसे आके मिल ही सकते हैं। रोज 10 से 7 बजे के बीच में क्लिनिक खुला होता है, संडे को छोड़ के आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपने अपना टाइम दिया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।